त्रिपुरा मोथा प्रमुख प्रद्युत देवबर्मा की मौजूदगी में पार्टी के नेता और आईपीएफटी के नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर आज एक अहम बैठक आयोजित हुई। गौर करने वाली बात है कि हाल ही में आईपीएफटी ने त्रिपुरा मोथा और अन्य स्थानीय संगठनों का समर्थन करते हुए एक अलग राज्य और एनआरसी की मांग उठाई है। यहां बता दें कि आईपीएफटी आज भी राज्य में भाजपा गठबंधन में शामिल है, हालांकि दूसरी ओर संयुक्त मंच साझा करने और अन्य स्थानीय संगठनों को सहयोग देने से जहां एक तरफ नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर त्रिपुरा की राजनीति में बड़े बदलाव का भी अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं बैठक के बाद प्रद्युत देव बर्मन ने बैठक को सकारात्मक बताया। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि त्रिपुरा मोथा के 1000 सदस्य प्रतिनिधि मंडल 30 अक्टूबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वी हैड अ गुड डिस्कशन, वी हैव हमारी बात हुई है और अब हम देखेंगे कि आने वाले थोड़े दिन में क्या गाइडलाइंस होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि हम लोग सब बात मानते हैं कि जो मेरा डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का और जो आईपीएफटी का डिमांड है त्रिपुरा लैंड का, वो ऑलमोस्ट सेम ही है अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आईपीएफटी को रिक्वेस्ट किया है कि आप मेरे डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को सपोर्ट कीजिए। मैंने हमेशा इनके डिमांड त्रिपुरा लैंड को सपोर्ट किया है, तो अगर ये भी मेरा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को सपोर्ट करता है तो इससे एक प्रोग्राम बनता है कि आगे में हम लोग दिल्ली में एक आवाज़ में बात करें। They will get back to me and if they support my demand of greater Tripura land, I have no problem. हमको दिल्ली एक संग जाना चाहिए। थानसा का मतलब ही यही है कि हम लोग पहले अपने जाति के बारे में बात करें, ना कि अपने पार्टी के बारे में। दिल्ली हमारा तो प्रोग्राम पक्का हो गया है। त्रिपुरा मोथा से हम लोग 23 तारीख को सब 23 या 24 तारीख को त्रिपुरा मोथा से हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। परमिशन जंतर मंतर में रहने का, खाने का, ट्रेन का बुकिंग सब हो गया है। वो ओवर 1000 पीपल हम लोग जा रहे हैं। अब आईपीएफटी का एक ऑफर भी आया है और आईपीएफटी भी दिल्ली में डेप्यूटेशन करने जा रहे हैं। तो आईपीएफटी ने कहा है कि अभी हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है, और जो भी है जब हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर के सामने मिलेंगे तो ये हम सब में अग्रीमेंट है कि हम त्रिपुरा मोथा आईपीएफटी होके नहीं मिल सकते, त्रिपुरासा होके हमको मिलना है। इसके लिए जो सबमिशन होगा उसमें ड्राफ्ट जो होगा वो सेम होना चाहिए, जिसमें हमारे अंदर दो रकम की आवाज़ नहीं जानी चाहिए। हमारे त्रिपुरा मोथा से हम लोग 3 दिन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर में, और हमने पूरा ट्रेन बुक कर लिया है फ्रॉम द साइड ऑफ त्रिपुरा मोथा। इस बार 2-3 बोगी नहीं, पूरा ट्रेन जाएगा दिल्ली और हम दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। और वहीं आईपीएफटी के महासचिव मेवर कुमार जमातिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। टुडे वी हैव अ लॉन्ग डिस्कशन, about 4 hours we have discussed thoroughly about our agenda, how to go ahead, our future course of action, especially all like-minded political organizations should come together for a joint movement for statehood demand. And as you all know, very shortly, in this month, IPFT as well as Tripura Motha are planning to go Delhi for deputation. So we have discussed thoroughly how to proceed ahead, and we are determined, both the parties have determined that within this 2-3 days we are going to have a small committee, joint movement committee for statehood demand. We have everybody agreed, all the participants have agreed that all like-minded organization, all like-minded political party should join together